हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज यहां पर बनते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये आपका एचएस का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, बहुत कम टाइम रह गया है। और एचएस के एग्जाम के लिए जो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम वाला चैप्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं इसको स्किप कर देते हैं, बट यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 25 जो है क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम जस्ट एमसीक्यू की बात करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड सिस्टम जो है सबसे कौन सा है। ठीक है, आर्द्र भूमि जिसको बोलते हैं, वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ पेंटानल। ठीक है, पेंटानल कहां पर पड़ता है आपका, साउथ अफ्रीका में। अगर ऐसे बात की जाए तो कई बार पूछ लिया जाता है ये पड़ता है आपका ब्राजील में, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आप पेंटानल की जो है एक तस्वीर देख सकते हैं किस तरह का वो दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट फर्स्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, जो आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं तो उसका कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही आंसर है सेकंड नॉर्मन मायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद विच ऑफ द फॉलोइंग द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो रियो समिट हुआ था वो 1992 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो एजेंडा 21 था वो इनमें से जो है किस चीज से संबंधित है या किस चीज से रिलेटेड है, तो वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग मल्टीलेटरल कन्वेंशन सीक्स टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिसको पीओपीएसडी बोलते हैं। सिंपल सा यहां पर पूछा गया है कि जो आपका कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा कन्वेंशन है जो आपका रिलेटेड है ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिसको पीओपीएस भी बोलते हैं, तो वो है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, अब ये आपका काम है कि आपको पता होना चाहिए या आप फाइंड आउट करें कि स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ था। ठीक है, बोन कन्वेंशन कब हुआ था, सारे कन्वेंशन बेसल कब हुआ था, तो ये सारे कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए डेट के साथ। जैसे रियो समिट 1992 में हुआ था, वैसे आपको क्योटो प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए कब हुआ था, क्या क्या उसमें हुआ था, तो ये चीजें आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉनिक लंग डिजीज कॉमनली नोन एज ब्लैक लंग डिजीज लीड्स टू रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन कोल माइनर्स। ठीक है, कि कौन सी डिजीज होती है जो मतलब कि आपकी ब्लैक लंग डिजीज के नाम से भी जानी जाती है, जो कि कोल माइनर्स होते हैं जो कोयले के खदानों में काम करते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जो है कम कर देती है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है और क्या कहा जाता है उसको, तो उसको कहा जाता है आपका फर्स्ट आंसर न्यूमोकोइनोसिस। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, या फिर आपसे अपोजिट पूछ लिया जा सकता है कि जो न्यूमोकोइनोसिस होती है, ठीक है, वो किन में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी कोल माइनर्स में, ये भी चीज याद रखना है। और दूसरी याद रखनी है कि उसको और किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है आपका ब्लैक लंग डिजीज के नाम से। नेक्स्ट है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज की फ्यूनल स्पीशीज दैट इज बीइंग कंजर्व्ड एंड मॉनिटर्ड इन डचिगम नेशनल पार्क। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सी स्पीशीज जो है फ्यूनल स्पीशीज डचिगम नेशनल पार्क, जो कि आपका पड़ता है जे एंड के में। ठीक है, वहां पर रखी गई है, इंपॉर्टेंट है। पार्क वगैरह जो आते हैं आपके बायोडाइवर्सिटी वाले सेक्शन में ही पूछे जाते हैं। इसका जो सही आंसर वो है हैंगुल या और कश्मीरी स्टैग। कश्मीरी स्टैग से तो आपको पता ही लग जाएगा अगर आपके पास ऑप्शन में आता है, अगर हैंगुल आपके पास ऑप्शन में आता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों को एक ही है दोनों, बाकी आपको पार्क भी पता होना चाहिए कहां पर पड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन ऑन। ठीक है, जो थिकनेस होती है ओजोन लेयर की, ठीक है, वो किससे आप मेजर की जाती है या किसमें मेजर की जाती है, तो वो की जाती है आपकी डेब्सन यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमोस्फियर। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है मोस्ट अबंडेंट जो है ग्रीन हाउस गैस है। मैक्सिमम जो है ये क्वेश्चन आपका गलत करके आता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वाटर वेपर। ठीक है, जो मैक्सिमम सोचते नहीं है, सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होगा या फिर कुछ और होगा, ठीक है, बट इसका जो सही आंसर है वो है वाटर वेपर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिगार्डिंग सेफ यूज ट्रांसफर एंड हैंडलिंग ऑफ। ठीक है, जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है वो किस चीज से रिलेटेड है आपका, तो वो है आपका लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं LMO। ठीक है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो डायरेक्टली जब भी आप नोट डाउन करोगे, आप टाइम कम है तो आपको
स्मार्टली थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। ऊपर आपने लिखा कार्टिजिना प्रोटोकॉल, ठीक है, और नीचे एरो डाला और यहां पर लिख दिया LMO या फिर आपका लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ताकि आपको जब रिवाइज करें तो डायरेक्टली आपको देखने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, ज्यादा डिटेल। और साथ में आप चाहे ये लिख लीजिए कि कितने में सन में वो हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, ठीक है, जिसको बोलते हैं WGEEP, इज हेडेड बाय, किसके द्वारा हेडेड किया जाता है, तो उसके हेड है आपके माधव गैडगिल। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अमंग द फोर कोरल रीफ रीजन ऑफ इंडिया आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर इंटेंसिव कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है आपका जो कोरल रीफ होता है, ठीक है, जिसको प्रवाल भित्ती आई थिंक बोलते हैं, उसकी कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है, तो वो है आपका गल्फ ऑफ खंबाट, बाकी जो है आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द हाइएस्ट पर कैपिटा एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड, ठीक है, यहां पर आपका पर कैपिटा पूछा गया है, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है कतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द नॉन ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नॉन ग्रीन हाउस गैस है, तो वो है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वर्ड इकोलॉजी, ठीक है, जो आपका शब्द है इकोलॉजी, उसको जो ड्राइव किया गया था वो 1866 में किया गया था, ठीक है, तो आपको बताना है कि वो किसने किया था, तो वो किया था आपका अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और सबसे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि कब ड्राइव किया गया था, तो वो किया गया था 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन एन इकोटोन द स्पीशीज विच बिकम अबंडेंट आर कॉल्ड, जो एक इकोटोन होता है उसमें जो बहुत मात्रा में जो स्पीशीज पाई जाती है उन स्पीशीज को जो है क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका एज स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व आर लोकेटेड इन इंडिया, में जो है सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो है किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थ और इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, देखिए जो अर्थ और होता है, ठीक है, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कब मनाया जाता है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा जो है अरेंज किया जाता है ये आपको बताना है, तो वो किया जाता है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है, सॉरी, इसका जो आंसर है वो है आपका सही 3, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, जिसको WWF बोलते हैं, ठीक है, 4th इसका आंसर नहीं है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, जिसको NGT बोलते हैं, वास, ठीक है, जो फर्स्ट चेयरमैन था NGT का, चेयरपर्सन वो कौन थे, ठीक है, तो वो थे आपके सेकंड जस्टिस लोकेश्वर सिंह पांटा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच अमंग द फ्लोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैड आइडेंटिफाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके क्वेश्चन में ही कवर हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो वो आया था आपका 1986 में, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है कि गवर्नमेंट ने कितने कौन सी स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है वो फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो किए गए हैं आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, बाकी आपको याद जरूर रखना है कि 1986 में जो है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, इंडियाज ओनली डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की जो एकमात्र आपकी डॉल्फिन सेंचुरी है वो कौन से आपके स्टेट में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी बिहार में, ठीक है, और आपको यह नाम भी याद रखना चाहिए, विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज आल्सो रिलेटेड टू द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS मैकेनिज्म, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल है जो आपका रिलेटेड है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म से, तो वो है आपका नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है, बाकी सबका भी आपको क्योटो भी पता होना चाहिए, जिनेवा भी और कार्टेजिना, तो आपको मैंने बता ही दिया था पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी वॉज डिक्लेयर्ड एज टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया, टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी सिटी जानी जाती है, तो वो जानी जाती है आपकी नागपुर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हेडक्वार्टर्स ऑफ बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट, ठीक है, जो बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल है उसका हेडक्वार्टर जो है कहां पर स्थित है, तो वो है आपका रोम में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग विल एमिट मैक्सिमम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन द सेम क्वांटिटी इज बर्नड ऑल ऑफ देम, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है मैक्सिमम मास कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एमिट करेगा अगर सबकी सेम क्वांटिटी को जो जलाया जाए, तो वो है आपका केरोसिन, जिसको बोलते हैं मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, घराना वेटलैंड विच वॉज नोटिफाइड द इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया इज लोकेटेड इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो घराना वेटलैंड है वो आपका एक ऐसा वेटलैंड है जो कि बर्ड एरिया माना जाता है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, तो वो किस राज्य में जो है आपका स्थित है, तो वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये आपके एक टॉप 25 क्वेश्चंस थे। देखिए इस वीडियो का मोटिव एक ही था कि आपको एक तरह से पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी बहुत वाइड है, वास्ट है, अगर आप पढ़ना चाहो तो डिटेल में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेन आपको प्रोटोकॉल जरूर पढ़ने हैं, ठीक है, टर्म्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट अगर आपका सपोर्ट रहता है तो अगली वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है एक लाइक आपका। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।